अजीज तलबा व तालिबात, किताब बाहरिस्तानी उर्दू दर्जे दहम, मुदरिस तारिक अहमद मलिक, मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल हरदुचन। नाम सबक तदरीसी गजल, शायर हैदर अली आतिश। आए पढ़ते हैं। दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे, जमीने चमनगुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, नगोरे सिकंदर नहे कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, दिलो दीदो अहले आलम में घर है, दिलो दीदा आले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकां कैसे कैसे, गमो गुसो रंजो उन्दो हिरमा, गमो गुसो रंजो उन्दो हिरमा, हमारे भी है मेहर बां कैसे कैसे। मुश्किल अल्फाज के माने जानने की कोशिश करेंगे। दारा शहनशाही फारस रह चुके हैं, 550 कबल मसीह में दुनिया में आए थे, ये उनका दौर था। सिकंदर आजम मकदूनिया, जिसका मौजूदा नाम मिस्र है, का फातह रह चुका है 350 कबल ईस्वी में। दिलो दीदा, दिल कहते हैं दिल को ही, दीदा कहते हैं आंख को, उंधवा कहते हैं गम को, हिरमान मायूसी को कहते हैं। कलाम दरमियान में आना और रुकावट बनना या रुकावट आना। आई गजल को समझने की कोशिश करते हैं। दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। दहन कहते हैं मुंह को और गुमान कहते हैं ख्याल को। तो इस शेर की तशरीह यूं बन सकते हैं, शायर अपने महबूब के बारे में बताता है कि उनके होंठों पर न जाने कौन कौन से खदशात, शुकूक व शुभात और ख्यालात होते हैं। जब बात कहने की बारी आते हैं, उसे न जाने कौन सी रुकावटें और वास्ते याद आते हैं और वो दिल की बातों को कह नहीं पाता। इस शेर में वो बातें जो होंठों पर थी और वो बातें जो असल बात कहने में रुकावट बन जाती हैं, दोनों को इबहाम के पर्दे में बयान किया गया है। इबहाम ही गाजल गोई की जान होती है। मजीद बरा दहन बोलकर होंठ मुराद लेना मजाजे मुरसल कहलाता है। अब आए शेर नंबर दो की तरफ। जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आस माँ कैसे कैसे। जमीने चमन, चमन की मिट्टी, रंग बदलना तेवर दिखाना, तो शेर का मान ऐसा होगा। शायर चमन की मिट्टी की रियायत से आसमान की बात करता है और दो मुतजाद चीजों की मुतजाद खसाइल वाजिया करता है। फरमाता है कि चमन की मिट्टी की तबीयत में ही है कि वो रंग बिरंगे फूल खिलाती है, जबकि इसके बरअक्स आसमान हर रोज रंग बदलता रहता है। कभी धूप तो कभी छाँव देता है, कभी बरसात लाता है तो कभी गरज चमक और ओले भी लाता है। शायर तबी अल्फाज में अपने जात को चमन की मिट्टी और महबूब की जात को आसमान करार देता है और महबूब के सितम को उजागर करता है। इस शेर में जमीन के मुकाबले में आसमान का लाना हुस्न तजाद का खूबसूरत और बरमहल इस्तेमाल हुआ है। अब शेर नंबर तीन। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। गोरे सिकंदर, सिकंदर की कब्र, कब्र दारा, दारा की कब्र,
जैसे कि हमें पता चला कि गोरे सिकंदर यानी सिकंदर कौन था, मकदूनिया का फातिया यानी मौजूदा मिस्र, ये कबल मसीह की बात है। इस तरह दारा जो है वो कौन था, अभी हमने पता चलाया कि दारा शहनशाही फारस रह चुका है 550 कबल मसीह में। नामी क्या थे मशहूर लोग, न गोरे सिकंदर न है कबरे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तशरीहों की शायर दुनिया की नापायदारी की बात करते हुए फरमाता है कि छठी सदी कबल मसीह के शहनशाही ईरान और चौथी सदी कबल मसीह के मकदूनिया के अजीम हुक्मरानों यानी दारा और सिकंदर की आज कब्रें भी मौजूद नहीं हैं। हर मशहूर जमाना शख्स के साथ यही कुछ होने वाला है, इसलिए गुरूर किसी बात का नहीं होना चाहिए। शायर यहाँ तिलमिह के पर्दे में अपने महबूब को सल्तनत हुसन के शहनशाह होने पर मगरूर न होने का मशवरा देता है। अब अगले शेर की तरफ आते हैं। दिलो दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकान कैसे कैसे। अहले आलम कहते हैं दुनिया के लोगों को। तो शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ मेरे महबूब, आप तो तमाम दुनिया के दिलों में और तमाम लोगों की आंखों में बस चुके हो। खुदा ने तुम्हें एक साथ तमाम लोगों के दिलों और तमाम लोगों की आंखों में बसा कर उनकी बसीरत और बसारत की हुक्मरानी अता की है। शायर हैरान है कि उसके महबूब के मकान कितनी तादाद में हैं और कितने ही मुख्तलिफ मिजाज हैं। इस शेर में मुबालिका का बरमला इस्तेमाल हुआ है। तो अब आइए आखिरी शेर की तरफ। गमो गुसो रंजो अंधो हिरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। ऊपर के शेर में महबूब के मकानों की बात की गई है और यहाँ नीचे के शेर में इसका बिल्कुल मतजाद। शायर तंजिया लहजे में महबूब को मुखातिब करके कहता है कि उसके पास महबूब को न पाने का गम, वो गुस्सा भी है, मलाल भी है, मायूसी भी है। गोया ये मनफी जज्बात उसके जन्म जन्म के साथी हूँ और उस पर हमेशा मेहरबान हूँ। तो इस तरह हमने बच्चों इस पूरी गज़ल की पढ़ाई भी की और तशरीह भी की। मुझे उम्मीद है आप इसे सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना भी सीखोगे और इसकी अच्छी तरह तशरीह करना भी सीखोगे। इस गज़ल को बार बार पढ़िए और ज़हन नशीन कीजिए। खुदा हाफिज़।